बीइंग अ कांग्रेसमैन, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, कैसे कांग्रेस की पकड़ हिंदी पट्टी पर छूटती चली गई? आज कांग्रेस ड्राइविंग सीट पर नहीं है, आप किसी न किसी के कंधे पर सवार हैं अलग अलग जगहों पर। नहीं, ऐसा नहीं है। कम्युनल फोर्सेस की लड़ाई के चलते, कम्युनल फोर्सेस के साथ लड़ाई के चलते कांग्रेस ने हमेशा त्याग किया। जो नौकरियाँ हैं वो नीतीश कुमार भरने में नाकामयाब रहे, इसका जवाब हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। कहीं ना कहीं भाजपा की एंटी रिजर्वेशन नीति जो थी वो मुझे ऐसा लगता है कि वो नीतीश जी के मन मस्तिष्क पर हावी रही। हमने प्रियंका जी से निवेदन किया है, परंतु उत्तर प्रदेश के अंदर भी कुछ बाई इलेक्शंस हैं, उनमें व्यस्त है। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द बिहार मेल के लिए दरभंगा से। हमारे साथ अभी कांग्रेस के प्रभारी हैं वीरेंद्र राठौर। कैसी सर तैयारी है, कैसा रिस्पांस है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही बेहतरीन तैयारी महागठबंधन की पूरे बिहार में चल रही है। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से प्रथम चरण के तमाम वोटरों को बिहार में अपील करूँगा कि प्रजातंत्र के इस पर्व में ज़्यादा से ज़्यादा वो भाग लें और बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए महागठबंधन को वोट भी दें और एक नए बिहार को बनाने में अपना पूरा योगदान दें। आप लोगों ने जो संकल्प पत्र जारी किया, कोई प्रण पत्र, कोई प्रतिज्ञा पत्र, आपके संकल्प पत्र पर बिहार का यूथ, नौजवान जो पहली बार वोट देने जा रहा है, वो क्यों विश्वास करे, क्या खास है उसमें? देखिए, सबसे पहले तो बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, जैसा कि तेजस्वी यादव भी लगातार कह रहे हैं और हमने अपने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है। एक तो बैकलॉग सारा जो है लाखों नौकरियों का, वो आते ही हमें निश्चित रूप से भरना पड़ेगा ताकि बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे जो नौजवान हैं उन्हें नौकरी के रास्ते उपलब्ध कराएं। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या अन्य कई सेक्टर्स हो, RTIs भी हमने बहुत सारे हरेक सेक्टर में लगाई और पाया कि लाखों की तादाद के अंदर जो नौकरियां हैं वो नीतीश कुमार भरने में नाकामयाब रहे, इसका जवाब हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। कहीं ना कहीं भाजपा की एंटी रिजर्वेशन नीति जो थी वो मुझे ऐसा लगता है कि वो नीतीश जी के मन मस्तिष्क पर हावी रही और ये डबल इंजन की सरकार जो थी, इस डबल इंजन की वजह से ही ये बैकलॉग नहीं भर पाया और जिसका नतीजा बिहार के नौजवानों को भुगतना पड़ा। ये हमने संकल्पित रूप से कहा है कि हमारी सरकार बनते ही पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर इन तमाम बची हुई नौकरियों को और नई क्रिएट भी की जाएंगी और 10 लाख से ज़्यादा नौकरियां जो हैं वो हम आते ही नौजवानों को देने का काम करेंगे। राहुल गांधी पहले भी आए, इससे पहले भी आ चुके हैं, फिर आ रहे हैं, क्या प्रियंका गांधी भी आएंगी क्या बिहार की सरजमी पर? हमने प्रियंका जी से निवेदन किया है, परंतु उत्तर प्रदेश के अंदर भी कुछ बाई इलेक्शन हैं, उनमें व्यस्त है और हमें उम्मीद है प्रियंका जी हमारी बात को रखेंगी और बिहार के अंदर चुनाव में आएंगे। हम ये आपसे कन्वे भी करना चाहते हैं, साथ ही साथ सवाल भी पूछना चाहते हैं। महागठबंधन के भीतर जिस तरीके से कांग्रेस को 70 सीटें मिली और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ही वो कमजोर कड़ी है जिस पर ज्यादा प्रहार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी उन सारी सीटों पर, ऐसा लग रहा है कि आमने सामने जहाँ आप लोगों की लड़ाई है वहाँ कुछ कमी खामी रह गई है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। RJD, कांग्रेस और हमारे बाकी जो सहयोगी दल हैं सब ने मिलकर के सीटों का चयन किया, बेहतरीन कैंडिडेट हम सब मिलकर के जहाँ जहाँ दे सकते थे संयुक्त रूप से उस सब चीज़ों की तैयारी की गई और बड़ी मजबूती के साथ आप देखेंगे कि पूरा एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना करके स्टेट लेवल पे RJD, कांग्रेस, CPI, CPM प्रचार लगातार चल रहा है। प्रत्येक सीट पर तेजस्वी जी जाने का काम कर रहे हैं, RJD के जहाँ कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं वहाँ पर भी कांग्रेस के लीडर्स दौरा कर रहे हैं। मैं भी परसों दौरा माननीय जगताजन सिंह जी के बेटे उनकी सीट पर मैं करके आया और 4-5 जगह मैं गया, लगातार कांग्रेस के लीडर्स जा रहे हैं। तो एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन जो है इस चुनाव में देखने को मिल रहा है, जिसका निश्चित रूप से बड़ा असर जो है वो 10 तारीख को जब नतीजे आएंगे उसमें देखने को मिलेगा। NDA गठबंधन के भीतर जिस तरीके से लोक जनशक्ति का एक पार्टी का जो एक पूरा प्रकरण है, उस पूरे प्रकरण को आप किस तरीके से देख रहे हैं? एक बार वो BJP के साथ भी हैं, BJP के साथ नहीं भी हैं, NDA के भीतर भी हैं, तब भी JDU के खिलाफ प्रत्याशी उतार रहे हैं, उस पूरे प्रकरण को और उस पूरे एपिसोड को किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, मैं तो एक ही बात कहूंगा, मुख्यमंत्री का चेहरा उस व्यक्ति को बनाया जाता है जिसके ऊपर प्रदेश की जनता विश्वास करे और गठबंधन के साथियों को भी विश्वास हो कि उन्हें आगे रख करके
प्रदेश के अंदर एक बेहतरीन सरकार बनाई जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रचार की शुरुआत बिहार में की। कल मैं पटना से मिथिला तक पहुंचा, एक भी होर्डिंग भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नहीं है जिसके अंदर नीतीश कुमार जी की फोटो हो। नीतीश कुमार जी की फोटो भारतीय जनता पार्टी के विज्ञापनों से गायब होने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी को विकास पुरुष के रूप में नहीं देख रही। वो मान रही है कि विकास के एजेंडे पर नीतीश कुमार जी पूर्ण रूप से फेल हुए। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को, बिहार की जनता को निश्चित रूप से देना होगा। कांग्रेस बीइंग अ कांग्रेसमैन, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, कैसे कांग्रेस की पकड़ हिंदी पट्टी पर छूटती चली गई? आज कांग्रेस ड्राइविंग सीट पर नहीं है, आप किसी न किसी के कंधे पर सवार हैं अलग अलग जगहों पर। नहीं, ऐसा नहीं है। कम्युनल फोर्सेस की लड़ाई के चलते, कम्युनल फोर्सेस के साथ लड़ाई के चलते कांग्रेस ने हमेशा त्याग किया, और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि फलदार वृक्ष हमेशा झुकता है। मुंगेर का एक प्रकरण है, अगर आपने देखा हो इस बीच लगातार, क्योंकि सोशल मीडिया पर वो वायरल हैं चीज़ें और वो लगातार उसको लेकर के सरकार का क्रिटिक हो रहा है, क्या आप उस पूरे प्रकरण से वाकिफ हैं? नहीं, मैं नहीं। दरभंगा के लिहाज से, या आप बिहार जो जगह जगह घूम रहे हैं उस लिहाज से, दरभंगा, आप जब कैमूर की बात कर रहे हैं तो वो दूसरा हिस्सा है और दूसरी समस्या है। जब हम दरभंगा में आपसे बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले आते हुए ही हम जो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जो भाषण कर रहे हैं दरभंगा के भीतर कि किस तरीके से मेडिकल कॉलेज, किस तरीके से एयरपोर्ट देने का काम किया, तो आप लोगों के पास दरभंगा के लिहाज से ये बड़ा एक इलाका रहा इंडस्ट्रियल जोन, मगर इंडस्ट्रीज यहाँ आज बिल्कुल ऐसी स्थिति में है, माइग्रेशन का एक पूरा मसला उसी तरीके से यथावत खड़ा है, तो वो इंडस्ट्रीज के लेवल पर कुछ आप लोगों का भी रोड मैप? देखिए, मिथिला क्षेत्र सांस्कृतिक और भौगोलिक दृष्टिकोण से भी बहुत एक उसका एक अपना सिग्निफिकेंस है। डेवलपमेंट के एजेंडे के ऊपर मिथिला क्षेत्र में तो पूरे बिहार में तो है ही, पर मिथिला में मैं पिछले 3 दिन से देख रहा हूँ डेवलपमेंट ओरिएंटेड कोई भी स्कीम यहाँ तैयार नहीं की गई। एयरपोर्ट का आनंद फानन में बात की जा रही है, परंतु एयरपोर्ट अभी तक शुरुआत शुरू नहीं किया गया है। हालांकि टिकटों के बेचने का काम जरूर शुरू हो गया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि 10 तारीख के बाद तक सारी टिकटों के पैसे रिफंड करने पड़ेंगे, क्योंकि एयरपोर्ट अभी चलने की हालत में नहीं है, परंतु वो इलेक्शन स्टंट को लेकर के सरकार इस प्रकार से काम कर रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ तो सरकार का फोकस बिल्कुल नहीं है, और ख़ास तौर पर मैथिल पेंटिंग्स जो हैं, राहुल जी ने भी हमेशा कहा कि इस संस्कृति को हमें मजबूती से बढ़ाने का काम करना है, परंतु मुझे लगता है कि सरकार का इन चीज़ों की ओर ध्यान नहीं है, और जिसकी वजह से मिथिला का ये क्षेत्र जो है वो हमेशा पिछड़ता जा रहा है। कृषि किसान की हालत बड़ी ख़राब है, समर्थन मूल्य किसान को नहीं मिल पा रहा, धान और गेहूं जो है वो 1100-1200 रुपये क्विंटल बेचने के लिए किसान मजबूर है। हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो मिनिमम समर्थन मूल्य गारंटी कानून हम लेकर के आ रहे हैं, जिसके अंदर समर्थन मूल्य से कम की खरीद को हम दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखने जा रहे हैं। बिहार में सरकार बनेगी, जिस तरीके से पंजाब ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, पंजाब ने ये ऐतिहासिक एक्ट पास कर दिया है, वैसा ही एक्ट जो है वो हम बिहार के अंदर सरकार बनने के बाद पास करेंगे। तो निश्चित रूप से ये बड़ी लड़ाई है, किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, माइनॉरिटीज, दलित, इन तमाम वर्गों को साथ लेकर के ही बिहार को आगे बढ़ाया जा सकता है। दरभंगा में जब हम बात कर रहे हैं, एक सीट है जाले, आप लोगों ने वहां से एक छात्र नेता को टिकट दिया है, एएमयू के प्रेसिडेंट रहे हैं संभवतः, तो वो मगर एक यहाँ कायदे की एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक नहीं, पटना यूनिवर्सिटी को लेकर के जब भी बातचीत होती है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आप लोगों से क्या एक्सपेक्ट किया जाए? अगर सरकार में आते हैं तो वो एक मुहिम आगे रहेगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाली? वो सारी बातें मैनिफेस्टो के अंदर की गई हैं, और प्रदेश स्तर के ऊपर जो जो वादे मैनिफेस्टो में किए जाएंगे वो उनको पूरा किया जाएगा। हर मेल के लिए मैं विश्व नारायण, बहुत धन्यवाद।